तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है, एक पार्टिकल है, वो स्प्रिंग से अटैच है। स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर इलॉन्गेट है। अब कहता है ये कहानी कहाँ है? अर्थ के सरफेस पे। केस फर्स्ट में जो है वो एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस पे तुम देखोगे तो सरफेस पे अगर स्प्रिंग ऐसे है, इस वाले केस में ये वाला केस है, तो इस पे स्प्रिंग क्या होगी? स्प्रिंग ऑब्वियसली कंप्रेस होगी, तो स्प्रिंग का फोर्स kx ऊपर लगेगा इस पे और अर्थ इसको नीचे mg से खींचेगी। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पे मुझे पता चलेगा इस ब्लॉक का कि स्प्रिंग का फोर्स kx ऊपर लगा और mgy नीचे गई। तो स्प्रिंग का फोर्स kx mg को बैलेंस कर लिया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलॉन्गेशन x की वैल्यू mg अपॉन k आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखोगे तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होगी? जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो के अपॉन एम अपॉन के तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो एक्स की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इलॉन्गेशन डिक्रीज होगा क्योंकि एम अपॉन के की वैल्यू जो है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट। और इसकी पूरे की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू आ जाओगे तो एम जी अपॉन के दैट इज 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब एम अपॉन के और जी की वैल्यू तुम लिख सकते हो अर्थ के सरफेस पे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो केस टू में तुम देखोगे, केस टू में अगर बात करोगे तो केस टू में अगर हम लोग बात करते हैं तो केस टू में क्या होता है भाई? केस टू में कहानी होती है एच हाइट पे। ये वाली जो हाइट है वो एच हो गई। तो एच हाइट पर अगर तुम चले जाओगे इस हाइट पे, तो इस स्प्रिंग का अगर यहाँ पे, तो स्प्रिंग का फोर्स के एक्स डैश और यहाँ लगेगा एम जी डैश। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू चेंज हो गई होगी, तो इलोंगेशन बदल गया होगा। तो के एक्स डैश की वैल्यू एम जी डैश की वैल्यू के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ के एक्स डैश की वैल्यू एम जी की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक्स डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम अपॉन के जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन से रिलेट करें तो इसका मतलब ये हुआ एक्स डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो एम अपॉन के और यह आ जाएगा जी एम ऊपर आर स्क्वायर, और मैं आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आर प्लस एच स्क्वायर का टर्म साइड में आ जाएगा। अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन के यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूज फर्स्ट का, तो ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो ये तो ये पूरी की पूरी अगर वैल्यू 1 सेंटीमीटर एम जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर और आर प्लस एच का होल का स्क्वायर। दिस इज द इलांगेशन एट हाइट एच। तो एच हाइट पर यही हमारा इलोंगेशन है। तो एच हाइट पर यही इलोंगेशन है। तो एक काम करते हैं, इसमें पूरी की पूरी वैल्यू रख देते हैं। रेडियस रख देते हैं 6400 किलोमीटर, और यहाँ से 6400 किलोमीटर रखूँ प्लस हाइट, एच की वैल्यू देखो कितना है, तो एच की वैल्यू 800 किलोमीटर है। तो ये 800 किलोमीटर अगर मैं रखता हूँ और फिर मैं इन सभी का स्क्वायर करता हूँ तो यह आ जाएगा 64 अपॉन 64, और 70 यह जाएगा 64 72। तो 72 का एक पूरे का होल का स्क्वायर, क्योंकि 2 जीरो जो जीरो खत्म हो गया, और 60 और 6 72। तो फाइनली जो एक्स टेस्ट, तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यह जाएगा 0.79 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली देखो डिक्रीज हो गया क्योंकि जी की वैल्यू कम हुई है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो फाइनली जो एक्स टेस्ट है वो 0.79 सेंटीमीटर इलोंगेशन रह जाएगा। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। यू इंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो।